समाज पार्टी ने आज जनसंपर्क यात्रा तो कल हम लोगों ने इसे सीरिंगा से शुरू किया था। सीकर जिले से गुजरकर आज हम लोग झुंझुनू पहुंचे हैं। नवलगढ़ से हम लोग इसकी शुरुआत समय बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शुरुआत हम लोगों ने की है। पूरे जिले में हम लोगों के बीच में जाएंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है पिछले 70 सालों से उसके बारे में लोगों तक जन जन तक जाकर के ये दोनों ही पार्टियां गरीब की, कमजोर की, दलित की, पिछड़े वर्ग की और अल्पसंख्यक समाज की विरोधी है, ये सारी बातें लोगों को बताएंगे। और जिस प्रकार से अभूतपूर्व सफलता इस रैली को मिल रही है, जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं और इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास हो रहा है कि अभी 6 महीने के बाद राजस्थान में चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी 2018 में राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा हमारा मानना है। हम लोग तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में 200 की 200 सीट पे ये माननीय बहन जी को फैसला करना है कि हम किस प्रकार से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हमारी पूरी तैयारी है और 200 की 200 सीट पर हम लोग मजबूती के साथ लगे हुए, 200 की 200 सीटों को हम लोग तैयार करने में लगे हैं।